ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय मंडलीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शनिवार को टाउन हॉल कचहरी क्लब में महापौर सीताराम जायसवाल और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। टाउन हॉल कचहरी क्लब मैदान प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के खादी एवं ग्रामोद्योग के इकाइयों के उत्पाद के साथ साथ अन्य प्रदेशों की भी इकाइयों द्वारा अपने अपने उत्पाद के प्रदर्शन के साथ साथ जनपद वासियों को एक स्थान पर ही खादी ग्रामोद्योग के निर्मित वस्तुएं बिक्री हेतु उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को खादी ग्रामोद्योग सेक्टर में किए जा रहे कार्यों और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नौयुवक नवयुवतियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने की जानकारी के साथ साथ उद्योग स्थापित करने की इच्छा जागृत होगी। प्रदर्शनी में लगभग 60 इकाइयों ने अपने उत्पादों के साथ स्टॉल लगाए हैं, जिनके उत्पादों में विशेष आकर्षण के साथ निम्न उत्पाद कश्मीर के खादी वस्त्र, सिल्क, टसर, ऊनी वस्त्र, ऊनी सदरी, जैकेट, ऊनी शाल, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटी, दरी कालीन, घरेलू वस्तुएं एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ललन तिवारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी AK पाल, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी NP मौर्य सहित अन्य जिला ग्रामोद्योग अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, खादी ग्रामोद्योग आयोग गोरखपुर, KP राम साहब, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी देवरिया रोशन लाल जी, ग्रामोद्योग अधिकारी महाराजगंज। मैं आग्रह कर रहा हूँ, वो मंदिर कहाँ का है सब? ये कहाँ से लेके आते हैं? कुछ यहाँ बनता है लेकिन आश्रम बोल है गोरखपुर, इसमें गर्मी ज्यादा रहेगी, मोटा है हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी धरोहर गांधी जी का वो सपना देख लीजिए आज साकार होता हुआ करता है। जिसने शांति और अहिंसा के साथ हम सबको एक जीवन दिया, वो क्षमता है समूह है, ये वाटर प्रूफ इसमें लगाए हुए हैं। सदन मोहन प्रपोजल है, जल्दी आ जाएगा आपके यहाँ। हमने कानपुर में एक हाट बनाया है, यहाँ भी गोरखपुर हाट होना चाहिए था। लोकल कलाकार के एक सप्ताह 10 दिन ऐसे प्रदर्शनी चलता रहेगा पूरे साल में, तो जैसे आपका खलीलाबाद में चलता है उसी तरह का यहाँ भी होना चाहिए। एक जगह बता दी कैसे बनता है, शरीर में 3 डोज होते हैं, कब किस बात उसके माध्यम से बनाया जाता है? ये रोज खाना होता है, एक चम्मच शाम को शाम लेना सर, 5 दिन खाने के बाद ये रिजल्ट देने तब करता है, गैस्ट नहीं बनने देता। दूसरा काम ये जोर जोर कसर दर्द समाप्त करता है। तीसरा काम कफ खांसी नजला श्वास की दिक्कत नहीं आने देता है। चौथा काम ये पूरी बॉडी में कमजोरी नहीं है। ग्रामोद्योग विकास के खुल रहे द्वार, ग्रामीण रोजगारों को मिले स्वरोजगार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसे जैसे उसके बारे में बांटते हैं तो 7 फुट का है, ये वही है जिसे कि
आश्रम कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। श्री के पी राम साहब, श्री के पाल जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। महंत पाठी जी और यहाँ के लोकप्रिय जिलाधिकारी जन पंड्याम जी, खादी का महत्व हम लोग उस समय से जानते हैं जब विदेशी वस्त्र भारत पे आकर बिका करते थे। भारत के किसान कॉटन पैदा करता था बहुत सस्ते दर पर, सत्ताधारी इंग्लैंड की सरकार खरीदती थी और उसे ले जाकर अपने यहाँ वस्त्र बनाती थी और बड़े ही ऊंचे दाम पर यहाँ भारतीयों को वस्त्र खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, चरखा चलाया, सूत काटा और लोगों को प्रेरणा दी कि भारत के बने हुए खादी के वस्त्रों को आप पहने। ये आजादी में बहुत बड़ा योगदान होगा, हमारी स्थिति बहुत ही समृद्ध होगी। तो उस जमाने से खादी भारत के इतिहास में आई और आज गांधी जी के आंदोलन के चलाए हुए तक भारत की सरकार ने इस अभियान को समाज के पिछड़े तबके से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि समाज में जो अधिक पिछड़े हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आदिवासी हैं, वहां तक उन्हें रोजगार मिले। खादी विभाग के अधिकारी बता रहे थे तमिलनाडु हो, कोयम्बटूर हो, बिहार का भागलपुर जिला हो, मधुबनी हो, यानी कहने का मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कोने कोने में एक अभियान चलाकर खादी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, आज हम लोग यहाँ गोरखपुर में शुभारंभ किए हैं, वैसे खादी का पूरा एक प्रदर्शनी का हम लोग शुभारंभ किए हैं माननीय मेयर साहब अध्यक्षता पे। इसका एक ही संदेश है, देखिए जो इस पे कितने लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, वो अपने प्रदर्शनी के लिए मंच ढूंढते रहते हैं। इसमें जो कितने पंडाल लगी हुई है, पूरे भारत से आए हुए हैं, कोई बिहार से, कहीं दूसरे जगह से, बंगाल से माल लेके आए हैं, कहीं कर्नाटक से माल लेके आए हैं। जो हम लोग के किसान हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जो कितने कलाकार लोग हैं, बुनकर लोग हैं जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक ही जगह 25% छूट भी दे रहे हैं आपको, और तमाम वेरायटी एक ही जगह आपको मिलेगा, सिल्क साड़ी से लेके, काटन से लेके, कंबल से लेके, तमाम वेरायटी। उसके अलावा जो खादी से जुड़े हुए और अन्य प्रोडक्ट है, वैसे जड़ी बूटियाँ हैं और जो शरीर का जो फायदे वाले चीज़ है, खाने वाले चीज़ है, वो भी तो यहाँ मिलेगा, एक ही जगह आपका प्रदर्शनी के लिए मिलेगा। मैं आपके चैनल के जरिए से अपील करता हूँ, सभी लोग उसका फायदा उठाएं, आए आके देखें, आपके घर के मनपसंद चीज़ है लेके जाएं।